जय बाबा नीम करौली महाराज की बाबा की कृपा सब पर बरसती रहे। आज हम आप सभी को श्री नीम करौली बाबा के उस खूबसूरत चमत्कार के दर्शन कराने जा रहे हैं, जिस चमत्कार में उन्होंने एक भक्त को पूरे राम दरबार के दर्शन कराए, यानी साक्षात सीताराम जी के दर्शन कराए। और यह चमत्कार दादा मुखर्जी की माता जी के साथ हुआ। तो बिना देर कर इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी को भी उस खूबसूरत चित्र के दर्शन कराएंगे जिस चित्र के संग ये चमत्कार हुआ। तो बिना देर करें इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी लोग महाराज जी के इस चैनल पर वीडियो तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो कृपया नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबाएं जिससे आपको महाराज जी की और भी वीडियो मिल सके। तो बिना देर करें इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये बात है चार चर्च लाइन की, जहाँ पर महाराज जी अक्सर रहा करते थे। ये दादा मुखर्जी का मकान था जिसमें वे महाराज जी की सेवा करते थे और महाराज जी उनके पास आकर रहते थे। एक दिन महाराज जी बहुत ही खूबसूरत मूड में थे, उनका मन बहुत ही प्रसन्न था। दिन महाराज जी बहुत ज़्यादा खुश थे। तो उस दिन महाराज जी के पास दादा मुखर्जी और उनकी माता बैठे हुए थे। तो उनकी माता जी ने कहा कि महाराज जी, मुझे भगवान जी के दर्शन करने हैं। तो गुरु जी क्या कहते हैं, हमारे महाराज जी क्या कहते हैं, तुम ज़रूर दर्शन करोगी, सच में तुम ज़रूर दर्शन करोगी, याद रखना तुम ज़रूर दर्शन करोगी। महाराज जी ने बात 3 बार बोली। फिर कुछ समय बाद महाराज जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। उनकी माता जी बहुत समय तक जीवित रहीं, लेकिन जैसे उनका अंत समय आते 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 उनके शरीर में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आने लगे। उनका शरीर जैसे बहुत कमज़ोर था, जैसे अक्सर वृद्ध लोगों का शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है, उनके शरीर में सारी बीमारियां धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। उनके जोड़ों का दर्द, उनकी कमर में अकड़न, ये सब कुछ ख़त्म होने लगा। उनका शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो गया। उनके अंत समय के आते आते वे अक्सर महाराज जी की पूजा करती थी, राम जी की राम दरबार की पूजा करती थी। लेकिन एक चित्र था जो महाराज जी ने अपने हाथों से दिया था राम दरबार का, और जब कहा था ना कि तुम ज़रूर दर्शन करोगी राम जी के, तब महाराज जी ने एक चित्र दिया था। उस चित्र में राम दरबार के पूरे दर्शन हो रहे हैं, वो चित्र हम आप सभी को अभी भी दिखा रहे हैं। और उस चित्र के ही साक्षात महाराज जी के वह रोज़ दर्शन करती थी, वह उसके रोज पूजा करती थी। पर जैसे ही उनका अंत समय नज़दीक आया तो वे दादा मुखर्जी जल्दी से अपने पूजा घर के कमरे में गई और वहाँ से उस राम दरबार के चित्र को उठा लाए। जैसे ही उस चित्र को उन्होंने अपनी माता जी के हाथ में दिया तो उनकी माताजी की नज़रें उस चित्र पर अटकी रह गईं और उनकी आंखों से उनके प्राण निकल गए, यानी उनकी आंखें वहीं स्थिर रह गईं और उन्होंने जैसे राम परिवार के दर्शन कर लिए हों। वह कुछ एक शब्द ना बोल सकीं और उन्होंने जैसे ही दर्शन करी उनके शरीर से प्राण निकल गए। ये बातें सुन के बहुत ही अलग सा लगता है, शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जैसे प्रभु के दर्शन करने के बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई हो। उन्होंने जैसे ही दर्शन करे उनके प्राण निकल गए, वह तस्वीर हाथों में वहीं जटी की जटी रह गई और उनकी आंखें खुली रह गईं। दादा मुखर्जी रोने के बजाय प्रसन्न हो गए। उन्हें एहसास हो गया कि महाराज जी की उस कही गई बात का, जो महाराज जी ने कहा था तुम एक बार ज़रूर दर्शन करोगी भगवान जी के, और वह बात सच हो गई। ऐसे ही हमारे महाराज जी खूबसूरत चमत्कार कर दिखा देते थे जो दुनिया देखती रह जाती थी। ऐसे ही चमत्कार जो हुआ ये सुनकर बहुत ही मन प्रसन्न हुआ, तभी मैंने ये वीडियो बनाई और आपको सुनाने के लिए इस चैनल पर अपलोड करी, जिससे आप सभी लोग भी सुनकर प्रसन्न हो सकें और अपने जीवन में बदलाव ला सकें। इसी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि महाराज जी के एक तस्वीर को अपने घर में रखकर उसकी ही पूजा करें, उससे ही अपनी सारे मन की बातें कहें। जिससे आपकी सारी मन की बातें कही जा रही हैं उन महाराज जी के चित्र से, तो वह महाराज जी सारी बात आपकी सुन रहे हैं और आपके सारी परेशानियां हर लेंगे महाराज जी, क्योंकि वह हमारे तारणहार हैं। वह करुणा निदान महाराज जी सब कुछ हमारे जीवन से परेशानियाँ सारी हर लेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। श्री करुणा निदान महाराज जी के चरणों में हम सभी का नमस्कार है। तो आज की वीडियो को बस यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं और नए किस्से के साथ। जब तक के लिए जय बाबा नीम करौली महाराज की जय, बाबा की कृपा सब पर बरसती रहे।